गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एट ग्रेड सिक्स चैप्टर सिक्स इंटीजर्स इंट्रोडक्शन बता रही हूँ मैं आपको। इसमें क्या है, पहले हम देखेंगे नेचुरल नंबर क्या है, व्हाट इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 2, 3, 4, 5 अनकाउंटेबल है, मतलब आगे तक ही है, उसके ख़त्म भी नहीं होता है कभी भी। देन होल नंबर क्या होता है, होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4 यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। यस, जीरो से स्टार्ट हो जाएगा, वन के बाद एक जीरो ऐड हो जाएंगे जब होल नंबर हो जाएंगे। देन इंटीजर्स क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर एंड जीरो ऑल्सो। अब जैसे हम जीरो से ये स्टार्ट कर रखे हैं, 1, 2, 3, 4 ये पूरा अनकाउंटेबल है जीरो से स्टार्ट होकर, वैसे इंटीजर्स में क्या होता है, जैसे ये जीरो से स्टार्ट हो गया होल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे बता रहे हैं, तो वैसे ही इस साइड लेफ्ट साइड उसके -1, -2, -3। अब ये जो कलेक्शन ऑफ जीरो और नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर है, इसको हम इंटीजर्स बोलते हैं। अब ये नंबर लाइन होता है, ये इंटीजर्स हमें इसको बोलते हैं जिसमें नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर एंड जीरो रहते हैं। और ये नंबर्स लाइन होते हैं, नंबर लाइन में सबसे मिडिल में जीरो आ जाता है। देन 1, 2, 3, 4 इस साइड राइट साइड हमारे नेगेटिव पॉजिटिव नंबर एंड लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर होते हैं। अब जैसे नंबर लाइन है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं बताऊंगी कि आपको रिप्रेजेंट करना है वेर इज 3, तो 3 मीन्स +3 आ जाएंगे, तो हम ये रिप्रेजेंट करेंगे कि ये 3 है। अब मैं बताऊंगी आपको कि -4 कहाँ है, ये आप दिखाओ तो रिप्रेजेंट करो, तो -4 के ऊपर आपको ऐसे गोला लगानी है। वैसे ही नंबर लाइन में, नंबर लाइन को देख के ही अगर मैं बताऊँगी आपको एडिशन करना है, एडिशन करना है मीन्स 4 + 3 है यूजिंग नंबर लाइन। नंबर लाइन को यूज़ करके आपको 4 + 3 करना है, तो ये नंबर लाइन है, बीच में जीरो आ गया हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब यहाँ -1, -2, -3, -4 ऐसे कर लिया हम, ये नंबर लाइन आ गया हमारे पास। नंबर लाइन आने के बाद इसमें बता रखा है 4 + 3 हमें करना है, 4 + 3 4 से स्टार्टिंग हो जाएगा, +3 है, देन 1, 2 एंड 3। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से राइट ले रहे हैं, तो यहाँ एक एरो का निशान लगाएं, फिर यहाँ से ऐसे। अब हमारे पास आंसर क्या है, 7। अगर हम 4 + 3 कर रहे हैं तब भी 7 आएंगे, और नंबर लाइन यूज़ करें तब भी हमारे पास 7 आ गया। अब इसमें बता रखा है हम ग्रेटर देन और स्मॉलर देन देखेंगे कि कौन सा बड़ा है और कौन से छोटे हैं। जैसे नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर 0 है हमारे पास, कभी भी पॉजिटिव नंबर होते हैं, पॉजिटिव नंबर मीन्स 4 है, जैसे 4 है पॉजिटिव नंबर है मीन्स आपको ये सोचना है कि आपके पास 4 रुपीज़ है, आपके पास ये है। और नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर जैसे -4 है, -4 मतलब हमेशा ये सोचना है कि मैं -4 मतलब 4 रुपीज़ उधार हो रखे हो, नेगेटिव मतलब आप उधार हो रखे हो। तो बड़ा कौन सा है, 4 एंड -4 के अंदर हम देखेंगे तो ये बड़ा है, जो है आपके पास वही बड़ा होगा। अब अगर जैसे मैं बताऊँ आपके पास 2+ है और -5 है, अब इन दोनों में से हमें ग्रेटर देन स्मॉलर देन देखना है। देन ग्रेटर देन कौन है, कौन सा है, जैसे ये तो 5 आप देखोगे, -5 है ये, और ये 2 रुपीज़ है, आपके पास ये है और ये आप उधार हो रखे हो, तो ये हमें सही बड़ा रहेगा आपके। यस, ऐसे दिखानी है आपको। नंबर लाइन का भी आपको पता पड़ गया कि नंबर लाइन कैसे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन में जब एडिशन करते हैं, मैं सब्ट्रैक्शन का भी एक बता रही हूँ, जैसे नंबर लाइन में मैं बता रही हूँ 7 - 4 है, 7 - 4 में वैसे ही नंबर लाइन लूँगी मैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 -1, -2, -3, -4। अब इसमें बता रखा है 7 - 4 है, यहाँ से 7 है। अब जब प्लस करते हैं तो राइट साइड लेते हैं, और माइनस करते हैं तो लेफ्ट साइड करेंगे, 1, 2, 3 एंड 4 हमारे पास आंसर क्या आ गए, एरो का निशान भी अल्टरनेट लगाएंगे, 3 आ गए, 4, 7 - 4 = 3। अब सबको समझ में आ गया कि कैसे हम नंबर लाइन में एड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं बताऊँ 4 - 8 बता रखा है, 4 - 8 भी करना है, देन 0
वन टू थ्री फोर, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव। अभी ये आ गया हमारे पास। अब फोर माइनस एट करना है हमें, फोर से एट लेफ्ट साइड लेना है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। अब हमारे पास क्या आंसर आ गया, माइनस फोर। ऐसे करके इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है, आपको यही नंबर्स लाइन में ही बताना पड़ेगा कि एडिशन कैसे होगा, सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, और ग्रेटर देन कौन सा है और स्मॉलर देन कौन सा है। थैंक यू।